हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप टू स्टॉक्स फॉर द ईयर की जहां पर मुझे लगता है कि एक काफी अच्छी वैल्यू बाइंग हो सकती है करंट लेवल्स के आसपास आप इन दोनों स्टॉक्स में एस भी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स आपको आने वाले टाइम पे काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो चलिए बात करें अगर आज के मार्केट की तो आप देख सकते हैं जो मार्केट है निफ्टी फिफ्टी का उसने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 51 पॉइंट्स की और इसने अपना सपोर्ट है जो 18,150 का उसको ब्रेक कर दिया है आप यूं समझ सकते हैं कि जो निफ्टी फिफ्टी है उसमें टॉप लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो है एटीन थाउजेंड का 18,000 के पास आप कुछ स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग कर सकते हैं स्टॉक्स अपने टॉप से फॉल करना स्टार्ट कर चुके हैं तो आप प्लीज इस करेक्शन को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी से फॉलो करते रहिएगा आप देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक का है वो लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग लग रहा है बिकॉज ऑफ पोस्टिंग ऑफ क्वार्टर फॉर रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम बैंक अवर एक्सेप्शनल हाउ जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो भी अब थोड़ा बहुत स्टेबल होने लगा है चलिए बात करें पहले स्टॉक की तो जो पहला स्टॉक है वो मेरा निफ्टी आईटी का ही है और उसका नाम है टेक महिंद्रा आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके सेल्स में इंक्रीज हुआ है 13 परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस हाउएवर इस पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखा गया आप देख सकते हैं जो इसके अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स है और नेट प्रॉफिट है वो दोनों ही कम होते हुए दिखाई दिए है ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस चलिए अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक की फंडामेंटल्स के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं जो टेक महिंद्रा है उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वन थाउजेंड फिफ्टी वन रूपीज यस और जो इस पर्टिकुलर कंपनी का फिफ्टी टू वीक्स लो है वो है नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का करंट पी के हिसाब से ट्वेंटी पे पॉइंट चल रहा है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और कैपिटल इंप्लॉयड इज ट्वेंटी एंड इक्विटी इज सेवेंटीन पॉइंट नाउ मैं आपको इसके चार्ट पे लेके चलूंगा जहां पे मुझे ये काफी ही ज्यादा स्ट्रॉग लग रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है हाउएवर अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पे एफ के द्वारा स्टेक को डिक्रीज किया गया है और डीआईएस के द्वारा स्टेक को बढ़ाया गया है मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि जो एफ है उन्होंने भी टेक कंपनीज में या टेक स्टॉक्स में बाइंग स्टार्ट कर दी है और इस पर्टिकुलर कंपनी को अगर आप खासकर देखें तो इनके जो नंबर है प्रॉफिट के वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहे थे हाउएवर मार्च 2023 में ये डिक्रीज देखा गया बिकॉज़ ऑफ रिसेशन फियर बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी ऑन दी ग्लोबल मार्केट और जिसके वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन भी दिखा है हमें टॉप लेवल से आप देख सकते हैं यह है टेक महिंद्रा का चार्ट ऑन दी मंथली बेसिस मैंने लगा रखा है और अगर मैं इस बात करूं इसके टॉप की तो इसने बनाया था 1800 का टॉप ऑन दिसंबर 2021 और वहां से ये करेक्ट हो चुका है रफली 46 राइट right? अब मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है पिछले जून 2022 से एक पर्टिकुलर चैनल में ही ट्रेड कर रहा है इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट अ ईयर यस एक साल से ये बारह से लेके नौ तक के लेवल के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है हमें जिसके वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो बॉलेंजर बैंड है वो भी काफी ज्यादा स्क्वीज हो गया है और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1000 के लेवल पे काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन इसमें पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम्स है वो आती जा रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और जो रेड कैंडल्स है जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है वो भी हमें कम होते हुए दिखाई दी है अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक के एमएसईडी MAC, पर भी तो आप देखेंगे जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है रेड कलर की वो कम ही हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और जल्दी ही आपको एमएसईडी का क्रॉसओवर दिख सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आप करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ नाइन एटी अदरवाइज अगर आपको ये लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी होल्ड करना है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं डिस्क्लेमर ये जो वीडियो है मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं और मेरे पास इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को खुद की होल्डिंग है जिसके वजह से मुझे इन स्टॉक्स पे रिसर्च करना पसंद है आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक है मुझे नहीं लगता कि 950 के लेवल को दोबारा ब्रेक करेगा हाउएवर अगर ये स्टॉक 1200 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो आप इसमें इमिजिएट टारगेट देख सकते हैं 1200 से 1300 रुपए का फर्दर इट कैन गो अप टू द अपू दिन हंड्रेड रुपीज इन अयर तो मैं आपको बता दूं कि अभी बचे हैं रफली छ सात महीने इस साल को खत्म होने में और आपको ये स्टॉक करंट लेवल से भी इजिली ट्वेंटी का मूव दिखा सकता है चलिए बात करें अब हमारे नेक्स्ट स्टॉक की जो नेक्स्ट स्टॉक है मुझे जो काफी अच्छा लग रहा है वो है एनर्जी एंड पावर सेक्टर से जो पावर सेक्टर कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है टाटा पावर यस आप देख सकते हैं जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इसके सेल्स में राइज है ईयर ऑन ईयर फोर परसेंट का हवे क्वार्टर बाय क्वार्टर में इसमें डिक्लाइन हुआ है जो इनका अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन है वो भी बड़ा है बट इनके नेट प्रॉफिट हमें गिरते हुए दिखाई दिए ऑन दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस चलिए मैं आपको बता देता हूं जो टाटा पावर है उसके फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो उनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है दो सौ पे राइट और इस पर्टिकुलर कंपनी का जो 52 वीक लो है वो है 180 हंड्रेड एटी का आप यहां पे देख सकते हैं और 52 वीक हाई है टू हंड्रेड फिफ्टी वन रूपीज का सॉकीपी नाइनटीन पॉइंट सिक्स है बुक वैल्यू नब्बे रुपए के आसपास है मुझे लगता है कि पावर सेक्टर एक गेम चेंजर सेक्टर हो सकता है आने वाले टाइम पे और ये पावर सेक्टर की जो कंपनीज है जो अपने टॉप से बिटर्न डाउन हुई है मुझे लगता है यहां पे एक काफी अच्छी वैल्यू बाइंग या अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख सकती है चलिए बात करें इसी सेक्टर की कुछ कंपनीज की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अदानी पावर का नाम देखेंगे टाटा पावर का नाम देखेंगे एनएचपीसी का नाम देखेंगे हावेवर ये इनके डायरेक्ट कंपटीटर्स नहीं है बट अदानी पावर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं जिसका पी चल रहा है अभी एट अब बात करें इनके बात करें इनके प्रॉफिट एंड लॉस की ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसने जो प्रॉफिट है वो अपने इंक्रीज ही करते हुए दिखाई दिए आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस और मार्च 2023 में इन्होंने आज तक के हाईएस्ट प्रॉफिट को जनरेट किया है विच इज 3810 करोड़ रुपीस मुझे लगता है कि ये सिमिलरली फैशन में आगे चलते हुए भी बढ़ सकते हैं और टाटा का जो नाम इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़ गया है उससे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पर रिलायबल भी रह सकते हैं बोथ द कंपनीज आर इंडियन कंपनीज और आप देखेंगे एफ आई एस ने इस पर्टिकुलर स्टॉक कंपनी में थोड़ा सा स्टेक कम किया है और डीआईएस ने इस पर्टिकुलर स्टेक में भी इस पर्टिकुलर कंपनी में भी स्टेक कम करते हुए दिखाई दी है मुझे लगता है कि द वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल एज द महिंद्रा टेक स्टॉक यहां से ये दोनों स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपनी को भी अगर आप देखें तो यहां पर भी जो नेगेटिव कैंडल्स है वो कम, कम होते हुए दिखाई दी दि है यहां से हमें जो स्ट्रेंथ है वॉल्यूम में वो आपको आते हुए दिखाई देगी और सिमिलरली अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली चार्ट दिखाऊं तो बॉलेंजर बैंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक पिछले दो साल से ऑलमोस्ट दो साल से अक्टूबर 2021 से इसी पर्टिकुलर लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा है 180 से लेके आप यूं समझ लीजिए 220 के लाइन पे और मुझे लगता है कि अगर ये 220 का बैरियर को क्रॉस कर देता है तो आपको इसमें 250 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं सिमिलरली 240, 300 तक के टारगेट भी आपको कमिंग ईयर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में वैल्यू बाइंग करनी है तो आप इसको अब एवरी डे पे बाय कर सकते हैं या हर महीने भी बाय करने के बारे में सोच सकते हैं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एक का ऑन दी बॉटम और अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आप इसमें वन हंड्रेड का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं तो ये थे वो दो स्टॉक जो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे काफी अच्छा पोटेंशियल दिखा सकते हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक में एक वैल्यू बाइंग का मौका आपको देना चाहिए टेक महिंद्रा एज वेल एज टाटा पावर हाउएवर इन्फोसिस भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है आई इंडस्ट्री एज सच अब मुझे लगता है कि वापिस भूम में आ सकती है बिकॉज एज द ले ऑफ सीजन विल गेट ओवर दोबारा से जब कंपनीज हायर करना स्टार्ट करेगी दोबारा से जब इन कंपनीज का एक्सपेंशन होगा मुझे लगता है वो सारी चीजें इन पर्टिकुलर कंपनीज को और भी ऊपर ले जाने का दम रखती है और ये अपने करंट लेवल से ऑल टाइम हाई को भी टच करने का पोटेंशियल रखते हैं दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टॉक्स अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं डिस्कलेमर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये सिर्फ एक रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज की वीडियो है प्लीज मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी स्टॉक मार्केट That's it. Thank you. Happy investing.